हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। चलिए हम सब आज अपने कीर्तिमान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको तो ये पता है कि हम लोग परसेंटेज अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और उस सेक्शन में हम लोगों ने पीछे 50 क्वेश्चन कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप उसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराते रहिए और PDF के क्वेश्चन पहले से पढ़े रहिए। तो आइए एक सेकंड भी गंवाए बगैर हम लोग अपने क्लास की शुरुआत आज करते हैं। आगे आज बड़े मज़ेदार क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से आज के क्लास की शुरुआत करेंगे और आप क्वेश्चन नंबर 51 को पहले समझिए कि 51 में क्या लिखा है। अगर मैं यहाँ पे आपसे 51 यानी 51वें प्रश्न के बारे में बोलूँगा तो मेरे भाई क्या हो गया, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप तो जो प्राइस इंक्रीज हुआ कितना हुआ, 30%। एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहता है कि खपत में कमी, तो खपत में इतनी कमी कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। अगर मूल्य वृद्धि के पहले उसकी खपत 26 kg यानी 26 किलोग्राम रही हो तो प्रश्न ये है कि वर्तमान खपत क्या होगी, यह हमें बताया जाए। अब आप बताइए, इतना मस्त सवाल है कि इन भाई साहब को वर्तमान खपत क्या होगी ये प्रश्न है। अब आप जरा देखिए ना, इस सवाल को सबसे पहले जरा मैं आपको जनरल मेथड से यानी विस्तार से समझा देता हूं। अगर आपको ध्यान से समझ में आ गया तो फिर एग्जामिनेशन मेथड समझाऊंगा। अधिकतम 3 से 4 सेकंड लगेंगे और आपको आपके प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलेगा। देखिए ना कैसे। अब आप यहाँ पे पहले ही तो समझिए कहते क्या है। इनका ये कहना है कि वस्तु के दाम को कितना बढ़ाया भाई, 30%। अब जब दाम बढ़ जाएगा, हमारी जेब में पैसा नहीं होगा तो तय हो गया हमें मात्रा कम लेनी पड़ेगी। फिर भी हमने थोड़ी हिम्मत दिखाई, 10% हम एक्स्ट्रा खर्च करने को तैयार हैं पहले से। और शुरू शुरू में हम 26 किलोग्राम खाया करते थे तो सवाल है कि अब कितना खाएंगे। आप क्या करना, ऐसा प्रश्न जब मिलेगा तो आराम से एक कॉलम अपना रखना मूल्य प्रति किलोग्राम, दूसरा कॉलम यहाँ रखना खपत किलोग्राम, तीसरा कॉलम यहाँ रखिएगा खर्च रुपए में। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसे समझिए। यह मान लेना कि 1 किलो का दाम 100 रुपए है, जो हम जानते नहीं उसे मानते हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि हमारी शुरू में खपत कितनी रही है, 26 किलोग्राम। सो आप यहाँ कुछ ना माने, डायरेक्ट 26 लिख दें। मुझे एक बात बता दो कि अगर 1 किलो का दाम 100 रुपया होगा तो 26 किलो का दाम कितना होगा। आप कहोगे ये भी कोई पूछने की बात है, 2600 होगा। चलो भाई मान लिया मैंने। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से कि भाई क्या हुआ, तो आप कहोगे कि दाम यहाँ पर थोड़े बढ़ गए। तो अगर दाम यहाँ पर बढ़ गए तो आपको एक बात समझनी, कितना, 30%। मुझे एक बात सारे लोग बताओ कि अगर 100 में 30 बढ़ा दोगे तो आज का रेट कितना आएगा, 130 आएगा। बट आपने कह दिया कि नहीं नहीं भैया, ऐसा कि मैं तो अपने खर्चे केवल 10% ही बढ़ा पाऊंगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं भैया, आप पहले से कम वस्तु भी ले जाइए, यानी आज धन धर्म दोनों आपके जाने वाले, चिंता ना करिए, बात बनिया की है। डियर स्टूडेंट, 2600 तो 2600 का अगर आप 10% निकालो तो ये दोनों रसगुल्ले तो गायब हो गए ना, तो कितने आए, 260। 2600 पहले आपका खर्चा था, 260 रुपया और आप दे रहे हैं, यानी आज आपने 2860 दिया। मैं पूछता हूं कि 100 × 26 बराबर 2600, तो डियर स्टूडेंट 130 × m बराबर 2860। यहीं से काट दो, आपका आंसर आ जाएगा 22 kg। कैसे, देखो ना ऐसे, तो ये आपके पास आएगा 2860। मेरे भाई जीरो से जीरो तो कट ही जाना है, 13 का पहाड़ा पढ़ दीजिए ना। तो आप कहोगे 13 × 26 और 13 × 26, सो आपका करेक्ट आंसर 22 kg आ गया, ये आपका आंसर है। ऐसे सेम सवालों में अगर कहीं पर भी कमी दिखाई जाएगी तो आप प्लस की जगह माइनस करना, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। परीक्षा में अगर आपको जल्दी लगाना तो फालतू के जो वर्ड हमने लिखे, क्योंकि देखो हमें पढ़ाना है तो कई चीज़ें हम आपके लिए बोल देते हैं, क्योंकि आपको पता है अपने लिए पढ़ना दूसरे को पढ़ाना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए आप अपने लिए सीधे डायरेक्ट इस सवाल को हल कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको प्यारा से इसका एग्जामिनेशन मेथड सिखाता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन पाना
तो वर्तमान खपत इन्होंने पूछा हुआ है, तो वर्तमान खपत बराबर सीधे एक काम करिएगा, ए इंटू यहाँ से कर दीजिएगा 100 प्लस वाई और अपान आपका आएगा 100 प्लस एक्स। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि यहाँ ये क्या वाई क्या एक्स क्या, कुछ नहीं, सारा बताता हूँ मैं मेरे भाई। यहाँ पे ए उस व्यक्ति की प्रारंभिक खपत जो कि 26 किलोग्राम दी गई, एक्स उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि जो कि 30% है, वाई उस व्यक्ति के खर्च में वृद्धि वो 10% दी गई। सो डियर स्टूडेंट्स डायरेक्टली कह दीजिए क्वेश्चन मार्क बराबर, यहाँ पे आप 26 को लिखिएगा और मुझे एक बात बताओ कि 100 में वाई की वैल्यू 10 जोड़िए तो कितना आएगा 110, 100 में 30 जोड़ दो तो क्या आएगा 130, जीरो यहाँ से कैंसिल करो, बोलो 13 दुनी 26, 11 दुनी 22, 22 kg आपका ये तुरंत आंसर हो जाएगा, आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप जल्द से जल्द से कंप्लीट करो ताकि मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 52 52वां सवाल आप जरा पढ़े रहिए और पूर्ण मनोयोग से लगे रहिए ताकि इस बार आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत अच्छे, अभी आपने ऊपर चीनी ली, अब जरा चाय भी एक चुस्की हो जाए भाई, सवाल में सिर्फ वो भी लिखा है कि चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाए, क्या हो जाए कमी हो जाए, अच्छी खबर है। तो एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। सो आपको ये पता हो गया कि इस बार यहाँ पे जो मूल्य है वो 25% डिक्रीज किया गया, जिसके नाते कोई व्यक्ति अपने खपत में क्या कर रहा है वो वृद्धि कर रहा है वो, बट खर्च में क्या करता है वो कटौती करता है, केवल कितने की 15% की। प्रश्न है कि अगर मूल्य कमी के पहले उस वस्तु की 30 किलोग्राम खपत रही तो सवाल ये है कि आज उसकी खपत क्या होगी, यानी वर्तमान खपत क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। अभी जैसे जनरल मेथड मैंने सिखाया तो वो आप लगा सकते हो, डायरेक्ट एक फार्मूला भी लगा लेना। तो डायरेक्टली मैं यही कह देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क बराबर ए इंटू वहाँ पे आप 100 प्लस की एक घटा है तो आप माइनस कर दें और बटे आपका 100 माइनस यक्स बराबर हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते पता भी नहीं चलेगा और ये हमारा उत्तर आया। ए बराबर कितना बोलो भाई 30 kg, और जरा आप यक्स के बारे में बताओ तो आप बोलोगे कि वो तो 25% कम हो गया। मैं पूछूंगा वाई तो आपने कहा कि वो खर्च में 15% की कटौती को तैयार है, तो ठीक है भाई अच्छी बात ही है। तो ए की वैल्यू आप यहाँ पे 30 लिख दीजिएगा, 100 में से 15 घटा के बोलो कितना आएगा 85 होगा और यहाँ 100 से 25 घटा देना तो 75 आएगा, 15 दूनी 30 15 25 75 5 17 85 बोलो 17 दूनी 34 किलोग्राम आपका ये आंसर होगा। तो इसे जरा आप सॉल्व करिए, हम आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ूंगा, 53, 54, 55, 56। ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से दो एक पैटर्न के और दो एक पैटर्न के हैं, तो आप इन्हें जरा देखिए और मेरे साथ समझिए। ऐसे क्वेश्चन जब मिलेंगे, अगर इसके जनरल मेथड की बातें करोगे तो इसका जनरल मेथड भाई तो थोड़ा लंबा है, बट इसका मैं प्यारा सा आपको एग्जामिनेशन मेथड सिखाता हूँ। ऐसे सवाल अधिकतम आप 3 से 4 सेकंड में लगा लेंगे और वैसे भी आजकल आप फ्री होंगे, थोड़ा मस्त रहिए और हम लोग क्लास अगला देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन नंबर आपका है 53, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण, 20% की कमी हो जाने के कारण, कितनी कमी भाई 20%, कोई व्यक्ति 500 रुपए में, यानी तय हो गया कि बड़ा खानदानी व्यक्ति होगा, 500 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम, तो डे स्टूडेंट यहां दो बातें आती हैं, प्रति किलोग्राम एक प्रश्न है कि उसका घटा हुआ मूल्य कितना होगा और दूसरा पूछ रहा उसका प्रारंभिक मूल्य या दाम घटने से पहले वाला दाम कितना था। आपने एग्जाम दिया है
तो ऐसे क्वेश्चन आपने बार बार देखे होंगे और आपके एग्जाम में एक समय में एक ही सवाल आएगा। अगर प्रति किलोग्राम घटा दाम पूछा तो आरंभिक नहीं पूछेगा, आरंभिक पूछा तो घटा नहीं, दोनों पूछ लिया तो क्या होगा? कोई टेंशन नहीं, हम लोग प्यारा सा तरीका सीखने जा रहे हैं और आपका आंसर देखो कैसे आएगा। अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना कि आपको करना क्या है। जब भी इस तरह क्वेश्चन मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, मुझे एक बात जरा समझा दो कि आप किसी दुकान पे गए, 500 रुपए की मान लेता हूं कि आपने चीनी खरीदी थी, आपके सवाल में चीनी की ही बात की गई, थोड़ा मीठा हो जाए। तो अगर चीनी की बातें यहां पे की गई तो आप देखिए कि आपके पास ये दाम इन्होंने 500 रुपए बताया, आज क्या कह रहे हैं, अरे वाह अपने तो अच्छे दिन आ गए। कितने अच्छे? कहते बहुत ज्यादा अच्छे, दाम 20% घटा है, जिसके नाते कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा पाया। तो तय हुआ जो खुश तो होगा ना, वैसे भी ज्यादा मिले, फ्री मिले तो मजा अलग ही होता है। तो आपको क्या करना है, बस एक काम करना है, आपकी जेब में रुपया कितना बोलो भाई, 500, दाम में कमी कितनी आई, 20%, तो डायरेक्टली ऐसे लिखना 500 का 20/100। मेरे भाई 2 जीरो यहां से कैंसिल कर दो, मुझे बताओ कि 5 × 10 यानी 100 रुपया आया। इसका मतलब समझा क्या आपने? समझना चाहिए कि जो वस्तु पहले 500 की मिलती थी आज 100 रुपये कम अर्थात 400 में मिली, लेकिन आपने पैसे वापस नहीं लिया, आपने कह दिया दाम बढ़ा दो चाहे घटा दो, मैं चीनी खरीदूंगा तो कितने की, 500 की। तो मेरे भाई आज आपको 5 किलो ज़्यादा मिला, आप क्या करना, अगर आपसे घटा दाम पूछेगा तो आप हमेशा मेरी इस बात को याद रखना कि इसलिए प्रति केजी घटा मूल्य बराबर। ऐसे ही डायरेक्ट आप निकालना, कुछ घटाना बढ़ाना नहीं, जितना किलो ज़्यादा मिला हुआ होगा उसी से भाग कर देना, डंके की चोट पर आपका आंसर सही होगा, कोई गलत नहीं कर सकता। बोलो 5 भी सही है, 100, ये आपके पहले प्रश्न का आंसर हो गया। लेकिन आपसे दूसरा दाम भी पूछा है, प्रति किलोग्राम आरंभिक दाम, तो आप यहाँ पर लिखिएगा 500 यानी 500, और अपना तो पुराना डायलॉग बोलो, घटता है तो घटा दो। तो 100 में से अगर आप 20 को घटाओगे तो 80 आ जाएगा, और आपको ये बात पता है कि अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं तो ये 20 × 80 हो जाएगा, और 4 से 125 बार लेके जाओ तो 125, आप कुछ भी ना करना डायरेक्टली इसको भाग कर देना, किससे, उसी वाले 5 से, तो आपका ये 25 रुपये प्रति किलोग्राम आरंभिक दाम आ जाएगा। तो प्रति केजी आरंभिक मूल्य, समझ में आया उम्मीद करता हूँ। क्या करना हमको, कुछ नहीं करना है, अगर घटा दाम पूछेगा बढ़ा दाम पूछेगा तो जितना रुपया है जितना परसेंट दिया कर देना, जितना किलो ज़्यादा भाग दीजिए आपका आंसर आएगा। अगर आपसे आरंभिक दाम के बारे में पूछेगा तो आरंभिक दाम के बारे में आप क्या करेंगे, घटता है तो घटाएंगे, बढ़ता है तो बढ़ा दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। मैं चाहता हूँ कि जरा क्वेश्चन नंबर मैं आपके लिए अब 54 देखता हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैसे तो आप कर सकते हैं लेकिन चलिए मैं जल्दी से हिंट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ 54 सवाल की बात कर लेता हूँ तो देखो क्या करना भाई, कहते हैं आप कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 450 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है, तो गेहूं का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य तथा प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या होगा? मेरे भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब दे दो कि प्रति किलोग्राम इनको घटा हुआ दाम बताना है मुझको, तो आपको इतना सा काम करना होगा कि इनकी जेब में 450 रुपये है, दाम कम हुआ है 10%, सीधे लिखना 10/100, ये 45 रुपये आपका आएगा। और यहाँ ये देख लेना कि इस व्यक्ति को कितना किलोग्राम ज़्यादा मिला है, तो प्रश्न के हिसाब से 5 किलोग्राम मिला है, मुझे ये बताओ 5×9 कितना होगा, 45, तो प्रति केजी घटा दाम कितना निकल के आएगा, 9 रुपये। भाई आपसे दूसरा सवाल प्रति किलोग्राम आरंभिक दाम पूछा है तो यहाँ लिखना 450 × अब बोलो घटता है तो घटा दो 9, बोलो भाई 9×5 = 45, ये 50 रुपये आपका आ जाएगा। आपको यहाँ भी 5 से भाग देनी तो यहाँ भी 5 से भाग दे दो तो यानी ये 10 रुपया। तय क्या हुआ कि शुरू में वह वस्तु 10 रुपया का 1 किलो मिल रही थी, लेकिन दाम घटने की वजह से कितनी हो गई, 9। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आया होगा वह आंसर आप देना, घटा हो या बढ़ा हो।
अब जरा आप क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ के तैयार रखिए, और एक बात याद रखना, ये दुनिया उसकी है जो फर्स्ट है, ना ना बिल्कुल नहीं, जो फास्ट है। सो फास्ट रहिए, सही कैलकुलेट करिए, आंसर दीजिए, आगे बढ़िए। मैं अब आप सभी मित्रों के लिए क्वेश्चन नंबर 55, चलो भाई चीनी हो गया, गेहूं, जरा प्याज के बारे में बात कर लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 55, 55वें सवाल को जरा देखो, तो इसमें ये लिखा गया कि प्याज की मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, अच्छी बात है, इस बार दाम बढ़ गया, जिसके नाते कोई व्यक्ति 360 रुपये में 10 किलोग्राम प्याज कम खरीद पाता है, बेचारा वो तो लुट गया, कोई बात नहीं, तो लगा रहता है। प्रश्न फिर वही दो कि प्रति केजी आप हमें बढ़ा हुआ दाम बताओ और आरंभिक दाम बताओ। तो भाई इनको बढ़ा हुआ मूल्य चाहिए और प्रति केजी आरंभिक मूल्य क्या था यह बताना है। मैंने आपको प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाया, इसमें किसी और तरीके के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी। सो इनके पहले प्रश्न का जवाब दो, इनकी जेब में 360 रुपये या 360 लिखिएगा, और आपका कॉन्सेप्ट है कि जब घटा बढ़ा रहेगा तो सीधे 20/100 लिखिएगा। आपको ये पता है कि 00 कैंसिल हो जाएगा, 36 × 72 आप यहाँ करिएगा, चाहे वो कम मिले या ज़्यादा, हमेशा इसको भाग देनी आपको इस नंबर से, 10 से भाग दे दो। तो यहाँ प्रति केजी जो बढ़ा मूल्य होगा, प्रति केजी लिख दीजिएगा, वो आप समझ रहे होंगे कि प्रति केजी बढ़ा मूल्य बराबर हो जाएगा 7.2 रुपये। सेकेंड क्वेश्चन कहता, नहीं नहीं साहब हमें प्रति केजी आरंभिक दाम चाहिए, तो 360 का 20 बढ़ता है तो बढ़ा दो, 120 बोलो 12 × 36, तो ये आपके पास 60 रुपये आएगा, और फिर से इसको डिवाइड करिएगा इसी 10 से, तो आ जाएगा ये 6 रुपया, तो प्रति केजी बढ़ा दाम आपका 6 रुपये आ जाएगा। चलिए भाई अब हम लोग अपने नेक्स्ट नंबर के सवाल को देखेंगे कि 55 के बाद आपका ये 56 नंबर का सवाल कैसे सॉल्व होगा। 56वां सवाल तो वैसे आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी साथ साथ हम लोग कर लेंगे। अगर मैं 56 के बारे में बात करूंगा तो 56 यानी 56, यहां देखो 56 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन्होंने ये कह दिया कि आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई ग्राहक 342 रुपये में 342 रुपये में पहले से 7 किलोग्राम आलू कम खरीद पाता है, तो उस आलू का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य और आरंभिक मूल्य कितना होगा, यही आपको यहाँ पे बताना है। मैं बताऊँ कि आपका तो वही पुराना डायलॉग है कि अगर आपको बढ़ा दाम बताना है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 14 × 28 हो जाएगा भाई, और 14 × 56, 56 × 2 = 58, 5 हो जाएगा, 14 × 3 = 42, 42 × 5 47, 2 अंक पे दशमलव लगा देना तो 47.88। लेकिन आज आपको वस्तु कम मिली, कितना कम मिली मेरे भाई बोलो ना, 7 किलोग्राम, इसको डिवाइड करो तो आपका आ जाएगा कितना आएगा बोलो, 7×6 = 42 हो जाएगा, और 42×5 = 47 हो जाएगा यहाँ से, तो 7×8 आपका 56 होगा, तो 7×8 = 56 आप कर लेना, और ये हो जाएगा 7.84 रुपीज़, आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आप 342 करिएगा और 342 है, यहाँ से 14 आएगा तो आप बोलोगे बढ़ता है तो बढ़ा दो, तो 114 यहाँ पे कर दीजिएगा बराबर, 114 × 342 होगा और 14 × 42 केवल आ जाएगा, लेकिन आप भाग किससे करेंगे, इसी 7 से, तो बोलो 7×42, तो प्रति किलोग्राम उसका बढ़ा हुआ मूल्य निकल के आ जाएगा 6 रुपया, यह आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए जरा इसको कर लेता हूँ, और अब हम लोग थोड़ी अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बड़े मज़ेदार सवाल, आपने देखा होगा कि इसमें चुनाव संबंधी प्रश्न हैं, और आप में से कुछ लोग इसमें अच्छी खासी राजनीति में इंटरेस्ट लेते होंगे। वैसे डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि आपकी ज़िंदगी का पहला और अंतिम उद्देश्य सिलेक्शन है, राजनीति नहीं, पहले सिलेक्शन लो, पॉलिटिक्स होती रहेगी।
इसलिए एक सच्चा देशभक्त यानी वोटर बनिए, किसी का सपोर्टर मत बनिए। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 57 57वां की बात करेंगे और हम लोग भी राजनीति करेंगे, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन के अंदर, हकीकत से अपना कोई लेना देना नहीं राजनीति से जीवन में। फिलहाल 57 नंबर का प्रश्न मैं आपके लिए लेने चलता हूँ और यहाँ पे एक बात बता दूँ कि जितने क्वेश्चन ये हैं चुनाव संबंधी प्रश्न हैं, तो ये चुनाव संबंधी प्रश्न आपने देखा कि आपके एग्ज़ाम में बार बार ये आते रहते हैं। चलो भाई थोड़ा मज़े लेके सवाल को समझते हैं। कहते हैं आप एक चुनाव में मात्र दो उम्मीदवार थे, कोई बात नहीं मान लेता हूँ भाई, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और 640 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। आपको बताऊं कि ऐसा क्वेश्चन जब मिलेगा तो आप सिर्फ एक काम करिएगा कि पहले इसका जनरल मेथड जरा डिटेल में समझिए कि ऐसे सवाल आप कैसे लगाओगे। तो कहते हैं कि दो उम्मीदवार हैं, बड़ी अच्छी खबर है, जीतने वाले साहब 54% वोट पाए और 640 वोटों से जीत गया। डियर स्टूडेंट याद रखना, जितने वोटों से कोई जीतता है दूसरा कैंडिडेट उतने ही वोटों से चुनाव को हारता है, आप इसे अच्छे से समझते हो। आइए मिलकर यहाँ लगाया जाए, चुनाव के जितने भी प्रश्न पाना सभी को 100% मान के लगाना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे जितना इजी हो चाहे जितना टफ हो। मान लेना कि टोटल वोट 100% है, चलिए अच्छी खबर। अब यहाँ से एक बात बताऊं कि अगर ये 100% है भाई, तो इसको दो हिस्सों में बांट लेना आप। जब दो हिस्सों में आप बांटोगे तो पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा यहाँ पे कॉमन करता हूँ। अब यहाँ पे एक ले लेना जीता और दूसरा हारा, यानी यह आपका होगा विनर और ये रनर होगा। तो जीतेगा भाई जीतेगा और हारेगा भाई हारेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। जीतने वाले नेताजी के खाते में आया 54%। जरा नेताजी दूसरे वाले का देखते हैं क्या हुआ। एक बात बताओ कि अगर 100 वोट है, 100 में से 54 वोट हमारे नेताजी को मिल गया तो क्या हुआ आपके नेताजी का। आप कहोगे सर मेरे नेताजी को 46% मिला, बहुत अच्छे। एक बात बताना कि अगर 54 वोट हमारे नेताजी पाए और 46 आपके पाए, तो जीत और हार के बीच में अंतर कितने का आएगा। डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ मेरी बात याद रखना कि अंतर यानी डिफरेंस, डिफरेंस अंतर का मतलब हमेशा एक शब्द याद रखना, बड़े में से छोटा घटाओ बराबर उत्तर पाओ। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि 54 में से घटा देना 46, तो मेरे भाई 54 से 46 घटा के बोलो ना कितना आया, 8%। तो मैं कहता हूं कि मेरे नेताजी कोई आसान बात नहीं है, पूरे 8% यानी 8% मतों से चुनाव जीत चुके हैं। अब आप कहोगे ऐसी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारे नेताजी तो 640 वोटों से जीत गए। तो डियर स्टूडेंट 8% बराबर 640 हो जाएगा, कहते हो 100%, इसलिए 100% बराबर आप यहीं से काट देना, बोलो 8 8 64, तो मेरे भाई ये 80 उतार के 100 से गुणा करना, उससे अच्छा 8000 इसका आंसर दे देना। उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप एग्जाम के समय क्या करना, बस डायरेक्ट लगाना, कोई तामझाम नहीं, वहाँ कुछ नहीं बताना है। आप सबको पता है कि हमें क्या बताना है भाई, 100% बताना है, ठीक है। दो सेक्शन में बांटो, जीतने वाले नेताजी 54 वोट यानी 54%, हारने वाले भाई साहब 46%। डियर स्टूडेंट दोनों का डिफरेंस सबको पता है कि जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वो आएगा 8%, और 8% बराबर जब 640 होगा तो हर हाल में 100% बराबर आपको पता है कि 8000 आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, आप इसे जल्द से जल्द कॉपी करें ताकि हम आगे बढ़ें। अब मैं आपके लिए जस्ट आगे बढ़ूंगा, देखता हूं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर जरा आप देखेंगे 58 यानी 58वां सवाल अपनी क्लास का, चलिए सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। 58 दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15000 मतों से चुनाव हार गया। चलो भाई बहुत बहादुरी का काम किया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, तो मेरे भाई अगर क्वेश्चन नंबर में ये 58 58वां सवाल आपका देखता हूँ, तो अभी मैंने सिखाया कि डायरेक्टली क्या करना, यहाँ 100% रखना,
अब यहाँ से दो सेक्शन इसके आपने डिवाइड कर लिए, जीतने वाले की हारने वाले का। जो हारने वाले कैंडिडेट भैया हैं उनको कितना मिला, 35% वोट पाए। मदमस्त हाथी की तरह चल रहे होंगे, अगर मेरे बराबर कौन। इधर जीतने वाले ने चुपके से अपनी जीत हासिल कर ली, तो 100 में से 35 घटाओ, बोलो कितना आया, 65 आया। दोनों का डिफरेंस निकालो। अब आप याद रखना, बड़े में से छोटा घटाओ बराबर उत्तर पाओ। 65 रुपये आपकी जेब में है, 35 आपने खर्च कर दिया, कितना बचा भैया बोलो तो आप कहोगे 30%। मैं पूछता हूँ कि 30% बराबर कितने के है, तो आपके क्वेश्चन में दिया गया वो 15,000 यानी 15,000 के है। तो सवाल में ये पूछा गया कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले थे। तो डियर स्टूडेंट्स, जीतने वाला उम्मीदवार यहाँ पर है, तो आप लोग यहां 100 मत निकालने आना, डायरेक्ट नहीं कह देना, इसलिए 65% बराबर इसको यहीं छुड़ाओ। बोलो 3×5 क्या होगा, 15 हो जाएगा, 65 में मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 32,500 आपका करेक्ट आंसर। ये क्या है, जीतने वाले का वोट है, यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। आप जरा देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 59वां सवाल देखेंगे कि आपके इस 59 नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है या फिर इसे कैसे समझना होगा। अगर मैं यहाँ पे 59 के बारे में बोलूँगा तो आप पढ़ो तो क्या लिखते हो, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। लो भैया, 2 कम पढ़ रहे थे, 3 आ गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। बहुत अच्छी बात, यह 59 नंबर का क्वेश्चन। अपना एक ही फंडा है कि ऐसे क्वेश्चन में हमें टोटल मतदाता 100% करने हैं। चलो कर लिया हमने 100%। अब डियर स्टूडेंट, इस बार 3 नेताजी चुनावी मैदान में आ गए देश की सेवा के लिए, चलो इनको बुलाते हैं हम लोग। तो पहले नेताजी आ गए, दूसरे नेताजी, तीसरे नेताजी। पहले नेताजी ने क्या किया, पहले नेताजी ने जबरदस्त तरीके से वापसी की चुनाव में और 45% वोट लेकर आ गए। चलो भाई, तीसरे स्थान पर रहने वाले कैंडिडेट को 25% वोट मिला। एक बात मुझे सोच के बताना कि ये 45 से ये 25 दोनों को जोड़ दोगे तो 70 होगा ना मेरे भाई। तो आपका ये जो दूसरे वाले नेताजी हैं ये 30% पाए। ये तो सबको पता है कि जीत और हार हमेशा एक विनर एक रनर, यानी ये जीतेगा ये उसका जस्ट निकटतम प्रतिद्वंदी होगा। इन दोनों के बीच में अंतर मेरे को बता दो। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंतर का मतलब क्या सीखा आपने, बड़े में से छोटा घटाओ। मेरे भाई 45 में से अगर 30 को घटा दोगे तो मैं पूछूँगा कितना आएगा, तो आप कितने बता दोगे, 15% आ जाएगा। और यही 15% बराबर आपको दिया गया है 4500 वोटों के। सवाल था कि कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, तो हर कीमत पर आप कह दोगे कि यहाँ से मैं 100% निकालूंगा और 15 × 3 = 45 हो जाएगा, यानी ये 30,000 वोटर हमारे आंसर आ जाएंगे। तो आप इसे कंप्लीट करिए, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 से थोड़ी लॉन्ग आ रहे हैं, उनको अच्छे से किया जाएगा। और आप लोग थोड़ा एंजॉय लिख करिए, अभी घर पे बैठे हैं तो बोर हो नहीं रहे होंगे, इसलिए मैं आपको अभी हंसा भी नहीं रहा हूँ। आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, सवाल टफ होंगे, मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा। फिलहाल इस सवाल को समझिए, अगले क्वेश्चन से हम लोग आगे मिलते हैं। थैंक यू।